नमस्कार, मैं नीरज कुमार बिहार स्टोरी के चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, हम बिहारी मछली खाने के बेहद शौकीन होते हैं, पर यह शौक धरा का धरा रह जाता है जब हम बिना जानकारी के मछली खरीदने चले जाते हैं और हमको मनपसंद मछली नहीं मिलता। तो दोस्तों, अपने शौक को बरकरार रखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको पटना में स्थित वैसे मछली मार्केट के बारे में जहाँ से आप मनपसंद मछली खरीद सकते हैं, साथ ही वाजिब रेट में भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा वो मछलियाँ जो आपको अमूमन देहातों में ही मिलता है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। वैसे इस कड़ी में हम लोग पटना के बहुत सारे मछली मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज इस शुरुआत में हम दिल्ली रोड स्थित हड़ताली मोड़ के पास एक बड़ा सा मछली मार्केट है जहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं आप, मछली का एक बड़ा मार्केट लगा हुआ है, और चलते हैं वहाँ पर हम लोग और देखते हैं कौन और किस रेट यहाँ पर बिक रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दिनू है, मुन्ना फिश मार्केट से जाता है। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से सची लेकर आती है? मछली मार्केट वहाँ पर, वहाँ से हम सब लाते हैं मछली जिंदा ताज़ा, और सब प्रकार के जो भी मछली अगर यहाँ पर लीजिएगा लोकल से मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। जिंदा बचवा हुआ, रेवा हुआ, छोटा वाला हुआ, पतला हुआ, और जो भी मछली आपको गोरला प्रॉन जो भी आपको खाना है यहाँ पर सब मछली मिलता है। हर प्रकार की मछली जो भी मांगेगा आपको बढ़िया बढ़िया मछली। ऐसे अमूमन बिहार में सबसे ज़्यादा जो मछली पसंद किया जाता है वो रेहू और कतला है। और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये सस्ता भी हो जाता, सस्ता भी मिलता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। पहले लोग चूँकि पहले यही मछली आंध्रा से आता था तो लोगों को ताज़ा नहीं मिल पाता था, लेकिन आज हमारे बिहार में भी बहुत सारे कृषक हैं जो यहाँ उत्पादन करते हैं, तो सस्ता भी मिल जाता है और ताज़ी मछलियाँ भी मिल जाती है। ये जिंदा मछली है, कतला है, खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। और चूँकि छोटा तो नहीं, छोटा में तो बहुत ज़्यादा कांटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है वो बेहद ही स्वादिष्ट होता है ये। अच्छा अच्छा, ये कौन सा मछली है? ये सिंगल कांटा वाला बचवा है जो जिंदा अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ये जिंदा बचवा है सर, सिंगल कांटा वाला है। इसका छोटा बचवा भी आता है जो सोन वाला होता है, वो आज नहीं लाए, ये जिंदा बचवा है, ठीक है ना? क्योंकि इस मछली बारे में बिना कांटा, इसका भाव क्या है? इसका आपको 200 रुपये मिलता है जिंदा। हाँ जिंदा। अच्छा अच्छा, और रेवा है, ये वाला जिंदा रेवा है, रेहू का बच्चा रेवा, ये भी जिंदा मिलता है। हमारे यहाँ सभी तरह का मछली है जो जिंदा मिलता है और ताज़ा मिलता है। आपका नाम तो दिनू जी हुआ, आपका नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरा मछली का मार्केट जो है, जैसे मान लिया कि कोई आपसे स्पेशल ये प्रॉन की मांग कर दे या सोन बचवा की मांग कर दे या टेंटा की मांग कर दे, तो वो मछली अगर आपसे कॉल करें तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे? एकदम एकदम। उसके लिए है ना कि एक दिन पहले करना पड़ेगा, मेरा नंबर, एक दिन पहले आपको बोलना पड़ेगा। जो मछली स्पेशल मछली आपको चाहिए आप यहाँ से आप ले सकते हैं, तो अपना नंबर आप बता दीजिए दिनू जी, रिपीट कर लीजिए। 9386916459 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा मम्मी का नंबर है जो पर्सनल रहता है दुकान के लिए, वो नंबर है 9308717313, ये मम्मी का नंबर है। ये सर मेरा दुकान है जो मुन्ना फिश मार्केट के नाम से जाना जाता है, और सर हमारे यहाँ 150 से लेके 300 का रेट तक है। मेरे यहाँ वाजिब रेट में आपको मछली दे देंगे हम आपको। ये वाला मछली जो है बड़ा वाला रेहू देसी वाला 250 रुपये किलो दे देंगे, और इससे छोटा जो रहेगा ना 200 रुपये किलो है, और हमारे यहाँ बचवा जो है जिंदा बचवा 150 रुपये तक हम दे देंगे, और रेवा है जो मरा हुआ रेवा है 170 रुपये, 160 रुपये, 150 भी रहता है, और जिंदा रेवा जो है ये वाला ये आपको 200 रुपये रहता है जो हम सब पाल होटल में यहाँ पर देते हैं अशोक सिनेमा, ठीक है ना? और सर कतला भी है ना जो छोटा रहेगा तो 250 रुपये के रेट में हम दे देंगे, और बड़ा वाला जो रहेगा वो 300 रुपये तक रहता है। सस्ता में हमारे यहाँ मछली मिल जाएगा, सस्ता में हमारे यहाँ मछली मिल जाएगा। आप आइएगा, जितने भी ग्राहक है आप हमारे पास आके एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका जैसे आप खोजेंगे आपके हिसाब से मछली दे देंगे हम, रेट के लिए आप मत सोचिए। और आपको दिखाते हैं आपको कुछ लोकल मछली जो कि गांव से ही आता है, जो कि आपको शहरों में तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो देहात के हैं उन्हीं लोग इसे ये कर सकता है। तो ये चाची ये टेंगड़ा कैसे है? टेंगड़ा 400 रुपये किलो है। कैसे है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो है। कहाँ से आता है चाची? मनेर सोन वाला। मनेर का सोन का है। और ये
सब सोने वाला है, सब सुनता ही है। ओके ओके, ये सोन बचवा कैसे है? सोन बचवा 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो? हाँ। कहाँ ले जाओ ये? हाँ, ये है सोन बचवा, क्योंकि ये सिंगल कांटे का मछली है, कोई भी इसको खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है आराम से, और बेहद स्वादिष्ट होता है ये, क्योंकि भले कुछ महंगा लगे आपको, लेकिन स्वाद के आगे कीमत कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा, ये कौन सा मछली है? ये भी सिंगल कांटे का मछली होता है ना? मछली है। ओके ओके, ये बुआरी है। ये कैसे किलो है? ये कैसे किलो है? 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है। ये सब नदी का है? नदी वाला, सोन वाला। सोन वाला, ये सोन का है। ये कहाँ से आता है? ये सब सोने वाला है। ये गैची है ना? गैची है। कहाँ से आता है? मनेर से। ये मनेर से। यहाँ पर आपको सारी की सारी मछलियाँ उपलब्ध है, ताजी भी मिलती है। सब मछली मिलता है, झींगा, टेंगरा, बुआरी, गैची, पलवा। अच्छा, ये छोटा वाला प्रॉन कैसे है? छोटा वाला प्रॉन 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो है। ये कतला बड़ा वाला? बड़ा वाला कतला 200 रुपए किलो है। ये 200 रुपए किलो। ये टेंगटा 200। ये भी टेंगटा 200। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको झींगा मछली बड़ा वाला, तो शायद इसे पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही जगह उपलब्ध फिलहाल हो रहा है, तो देखते हैं क्या रेट है उसका। कैसे है चाची ये झींगा मछली आपको? 500। ये 500 रुपए किलो है। ये कहाँ से मंगवाती है चाची? ये सब कर्नाटक आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 500 रुपए के जी है, फ्रेश है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कम भी होता है चाची? इससे बड़ा भी आता है? इससे बड़ा आता है, गोरला रहता है, वो 600 रुपए मिलता है। अच्छा अच्छा, गोरला 600 रुपए मिलता है। ये 500 रुपए छोटा वाला झींगा है, तो ये 500। बारह वाला 600। छोटा झींगा होता है दोस्तों, उसको तो वैसे ही साफ कर करके बनाया जाता है, तेल भून कर करके, लेकिन जो बड़ा झींगा होता है उसमें ऊपर का जो कवर होता है उसको निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद उसको जो है ना तेल में फ्राई किया जाता है, तब उसको खाया जाता है, और ये बेहद स्वादिष्ट होता है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी हम आपको पहले ही बता दिए कि स्वाद के आगे कीमत कोई मायने नहीं रखता है, तो हर तरह के खाने वाले हैं, शौकीन हैं, तो सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अरे वाह, ये देख लीजिए, ये बड़ा सा कतला है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम ये कतला मिलना दिखाई देता है, जो कम से कम 2 से 3 साल का ये होगा। तो ये कैसे है ये बाबू? ये 350 का। 350 रुपये है। कहाँ से लाते हैं ये इतना बड़ा? ये लाते हैं हाजीपुर से। ये हाजीपुर का है ये? वाह, क्योंकि कतला जितना बड़ा होता है मज़ा उतना ही आता है, क्योंकि कतला मछली जितना बड़ा होता है, कहा भी जाता है कि कतला मछली जितना बड़ा होगा उतना ही स्वादिष्ट होगा, तो बेहद स्वादिष्ट होने वाला जो लोग इनको खाएंगे। मछली होता है चिलवा, और ये टेंगरा है, छोटा वाला टेंगरा है, इसको पलवा बोलते हैं, और ये रेवा है, नैनी का बच्चा। इसमें सिंगल कांटा या डबल? नहीं नहीं, इसमें कांटा होता है, ये सिंगल कांटा वाला बचवा है, सोन बचवा। अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें सिंगल कांटा होता है? ये वाला ठीक लगता है, ये वाला बहुत अच्छा टेंगरा है, पलवा बोलते हैं इसको। चेलवा में छोटा टेंगरा होता है ना? चेलवा कांटा होता है, मगर ये वाला फ्राई में चलता है, अच्छा लगता है ये वाला। हाँ, इसका ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है। ये वाला ये बुआरी है? ये बुआरी, ये वाला बुआरी है सर। ये टेंगरा, ये सिंगल काटा, दोनों में सिंगल काटा होता है। सिंगल काटा होता है? हाँ। अच्छा, और ये बामी है, ये भी सिंगल काटा होता है इसमें। अच्छा अच्छा, और ये वाला कतला है, सोन कतला है, गंगा जी से आता है, और ये झींगा है, सोन झींगा। इस मछली मार्केट में आप कैसे पहुँचेंगे? तो अभी हम बेली रोड के हड़ताली मोड़ के पास खड़े हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे पंत भवन है, और देख सकते हैं हमारे पीछे पंत भवन है, आप दाहिने साइड में ये रास्ता सीधे दानापुर को जाती है, और ये बाएं साइड में ये रास्ता आपको सीधे स्टेशन की तरफ जाती है, लेकिन दाएं और बाएं नहीं जाना है, इसके बीच में एक रास्ता निकल जाता है सीधे आपको आर ब्लॉक जाने के लिए, तो इसी रास्ते में आपको एक रैन बसेरा मिलेगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहीं पर एक रैन बसेरा है, यहाँ पर ये है रैन बसेरा, रैन बसेरा का ठीक बगल में वो मछली मार्केट आपका मिलेगा।